कि मैं तेरा नाम न लूं, फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहा दी। आपकी बहुत सारी तारीफ। अजीज तलबा, आज योम दिफा के हवाले से यहाँ तकरीब मुनाकिद की जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने अपना दिफा, ये 1965 की जंग हुई थी तो उसमें भरपूर अंदाज में किया था। बहुत से हमारे मुल्क के जहाँ फौजी आर्मी तो उनकी ड्यूटी होती है, वहाँ बहुत से लोगों ने भी उस वक्त भरपूर जज्बे से पाकिस्तान का दिफा किया था, पाकिस्तान को इंडिया के हाथों में जाने से बचा लिया था। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं इस इदारे के बानी मेंबरान में से हूँ और हमने इस इदारे का भी दिफा बड़ी खूबसूरती से किया। मैं तब तकरीबन कोई होगा 25-26 साल का होगा जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, तो गुज़श्ता समय ले 30 साल हो गए इस इदारे को कायम हुए। तो 30 साल तक हमने इसका भरपूर दिफा किया, ना सिर्फ दिफा किया बल्कि हमने हमेशा बेहतर करके दिखाया। जब इदारा बनाया तो हमें बड़ा शौक था कि हम यहाँ नई से नई जो है ना पॉलिसी या सिलेबस या जो भी होता है अपने स्टूडेंट के लिए वो मुतारफ कराएं। फिर 2002 में पहली दफा बोर्ड में तीसरी पोजीशन आई, तो उसके बाद अब तक, पहले तो हमें याद होती थी कि इतनी पोजीशन फलां साहब ने आई है, लेकिन उसके बाद अब हो ज्यादा या हमारी कम होगी या पोजीशन ज्यादा होगी। कि ये सब एक बंदे का काम नहीं होता बल्कि टीम वर्क का नतीजा होता है। हमारे स्टाफ सब ने मिलके, बेशक स्टाफ चेंज होता रहा, 2002 में और स्टाफ था, 2024 में और स्टाफ है, दरमियान में और दोस्त थे, लेकिन जो भी है बजाय इसके कि अपने इस इदारे को अपने उसमें ढालते, हमने उसको अपने इदारे के जो रूल थे या जो रिजार्ड थे उनमें ढाल दिया। और उस वजह से हमेशा हमारे तलबा का जो रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा है। 2012 से 2024 तक गुज़श्ता 12 साल में कोई ऐसा साल नहीं, 12 साल से मुसलसल कोई ऐसा साल नहीं जिस साल हमारे बच्चे, हमारे इदारे के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चों ने मैट्रिक और इंटर में टॉप पोजीशन में से कोई पोजीशन हासिल ना की हो। 2024 तक, और आपके सामने है कि इस साल भी ये फैजान बैठा है कि इससे मैट्रिक में ओवरऑल सेकंड पोजीशन थी और सिर्फ एक नंबर का फर्क था फर्स्ट पोजीशन से। तो उसके बाद इस साल आपके इदारे ने, यानी तालिब साइड ने भी 5 पोजीशन ली है। ये मुल्तान में ये वाहिद इदारा है, जिसकी 5 पोजीशन आई है। और इसके लिए इसका क्रेडिट मैं अपने उन तालिब इल्मों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत की, और अपने उस स्टाफ को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत करवाई। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रिवायात हम जब तक हैं तब तक तो सही, लेकिन हमारे बाद भी ये रिवायात कायम रहेगी। सर्टिफिकेट
राजा किशन।